हेलो फ्रेंड्स, बीनम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। बादाम की नटीज बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर के साथ, और हम डार्क चॉकलेट इसमें यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और बच्चों को तो बहुत पसंद है। एक बार बना लेंगे तो बच्चे तो एक ही दिन में ख़त्म कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो टेबल स्पून चीनी ले लिए हैं, और उसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे। इसको हल्का सा मेल्ट होने तक चलाते रहेंगे। उसके बाद 1/2 कप बादाम लेंगे, उसको भी इसमें डाल के और रोस्ट करेंगे, तब तक कि जब तक इसका कैरेमल ना बन जाए, तब तक इसको कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करते जाएंगे। बादाम हमारा पहले से रोस्ट नहीं था, ये इसी टाइम में इसका सिरप में ही रोस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सिरप अच्छे से सूख गया है और अब ये पूरा उसी के साथ साथ में रोस्ट भी हो जाएगा अच्छे से। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे हम। देखिए अब इसमें से शुगर सिरप रिलीज होके कैरेमल बनना शुरू हो गया है। जब कैरेमल भी सूख जाएगा इसको कंटिन्यू चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बादाम एक दूसरे में चिपक के बाइंड हो जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू इसको चलाते रहना है हमें। शुगर अब देखिए काफ़ी बाहर निकल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे 1 क्यूब के बराबर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर से हमारा शुगर भी मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, और इसमें पूरी तरह से बादाम को कोट कर लेगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी रेसिपी आपकी। आप बताइएगा कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको। अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी ऐसी नई नई बिल्कुल यूनिक स्टाइल की हेल्दी रेसिपीज़ के लिए अपने बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएँ। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें ही हम कोशिश करते हैं कि बना के आएँ, ले आएँ आपके लिए, क्योंकि बच्चे आजकल वैसे भी बाहर के फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, तो घर से बनी हुई हेल्दी चीज़ें उनको खाने की आदत लगानी चाहिए। और बादाम के ये रेसिपी बच्चों को तो इतनी टेस्टी लगेगी, क्योंकि बच्चों को तो हमेशा ही चॉकलेट फ्लेवर की हर एक चीज़ पसंद होती है। अब ये हमारा कैरमलाइज बादाम को हम अच्छे से फैला लेंगे ट्रे में। अगर बटर पेपर हो तो आप उसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी वो आराम से अलग हो जाता है ठंडा होने के बाद, क्योंकि इसमें पहले से बटर भी पड़ा हुआ है तो एक दूसरे में बाइंड नहीं होता है। और एक एक पीस को इतना ध्यान रखना है कि जब हम इसको ट्रे पे फैलाएं तो सारे पीसेस को अलग अलग कर दें, नहीं तो वो एक साथ थोड़े से चिपक जाएंगे, फिर वो बाद में इसकी चॉकलेट कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। चॉकलेट को हम तोड़ के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और उसके बाद बिल्कुल हॉट पानी लेंगे वाटर, और उसमें नीचे हम बाउल में डबल वॉयलर से ही इसको हम मेल्ट करेंगे। गर्म पानी के ऊपर हम अपना बाउल रख दिए हैं, और वो देखिए अच्छे से हमारा मेल्ट हो गया है चॉकलेट। एक तरह से चॉकलेट सिरप बन के हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम इस बाउल में नीचे ठंडा पानी ले लिए हैं, और जो हमारा कैरमलाइज बादाम था उसको 1 कप ले लिए हैं, और उसमें हम इसको अच्छे से कोट करेंगे चॉकलेट के जो सिरप बना के रखे थे। और हम इसको धीरे धीरे डालेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, मतलब बार बार लगभग 10 टाइम तक हम इसको इस तरह से करेंगे कि एक मोटी सी लेयर हमारे बादाम के ऊपर से चॉकलेट की बन जाए। इसीलिए धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, फिर डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरह हम 10 से 12 टाइम तक करेंगे, इससे बादाम के ऊपर एक बहुत अच्छा सा लेयर बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अच्छे से एकदम बादाम ऊपर से
एक पूरा लेयर बन चुका है। इसको हम आपको अभी काट के भी दिखाएंगे। देखिए मेरे सारे कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं नटीज, और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। और इसे आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।